जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, टॉप 10 न्यूमेरिकल का जो एपिसोड चला रहा हूँ इसमें यह चौथा एपिसोड है। बहुत सारे बच्चों का बराबर कमेंट आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल देते रहिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको देते रहूँ, लेकिन बीच में गैपिंग हो सकती है। आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ ये सब टॉपिक देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इंक्लूडेशन होना चाहिए। आप लाइक के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। तो आइए फटाफट 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को धुआं करते हैं मेरे शेर बहादुरों। एपिसोड ये चौथा है, मजा आएगा, आनंद आएगा। मोटिवेशन कहता है कि सफलता किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तो कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों का गुलाम है, बादशाहों की जिंदगी जीना है, नवाबों की जिंदगी जीना है तो कसम से गुलामों की तरह मेहनत करो। अभी गुलामों की तरह मेहनत करो। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, मचाते हैं धूम। और पहला नंबर क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन कहता, यदि 40 न्यूटन भार वाली, अभी देखिए ना भार दे दिया, ये पिछला में भी आया था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ भार दे दिया है कह के न्यूटन, 40 न्यूटन, तो भार mg होता है, ये ऑलरेडी mg दिया हुआ है 40 न्यूटन, ठीक है। कहता 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, समय दे दिया 20 सेकंड, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ऊंचाई के बात किया जाए तो कार्य के जगह हो जाता है स्थिति ऊर्जा। क्या होता है मेरे शेर बहादुरों, स्थिति ऊर्जा कार्य के जगह पर हो जाता है, और यहां शक्ति दिया हुआ, और शक्ति बराबर हम सभी जानते हैं कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटा समय, तो कार्य यहाँ पर mgh हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई का बात है, और समय तो 20 सेकंड है, यह है, अब बराबर शक्ति 160 है। अब देखिए, यदि बोलता 40 kg द्रव्यमान वाली कोई लड़की, तो m के जगह 40 लेते, g के जगह 10 लेते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी mg मिला के 40 न्यूटन भार दिया हुआ है। आप समझिए, किताब में वो बना के आंसर लाया तो 40 kg ले लिया है, गलत है, तो 40 यहाँ पे हो जाएगा mg के जगह पर, h ज्ञात करना है बटा 20, अब बराबर 160, काटिए 40 से 4 चौक 16, तिरछा गुना करेंगे 2 चौका 80, h बराबर 80 मीटर, कितना मेरे बहादुरों, 80 मीटर, समझ में आया, मजा आया होगा, कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, आनंद आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ। आ जाओ, एक घर में एक माह में 900 × 10^2 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, तो एक इकाई या एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh, आपको पीछे ही बता चुका, और 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10^6 जूल। फिर से, एक यूनिट बराबर होता है एक इकाई बराबर 1 kWh, और 1 kWh को बहुत बेहतरीन ढंग से पिछला क्लास में बताया था कि कैसे निकालते हैं, 3.6 × 10^6 जूल, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक इकाई बराबर 1 kWh, 1 kWh बराबर 3.6 × 10^6 जूल। अब सोचिए कि इकाई में बदलना है तो टोटल क्या करेंगे, टोटल है 900 × 10^6 जूल, इसमें भागा दे देंगे एक यूनिट के मान से, मतलब आप कह सकते हैं 3.6 × 10^6 जूल से भागा दे दिए, काटिए मेरे बहादुरों, 10^6 जूल कट गया, और इसको काटते हैं हम लोग, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एक 10 से गुना हो जाएगा, 18 × 2 = 36, 18 × 5 = 90, 50 बार में 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, यानी 250 यूनिट, समझ रहे हैं, क्या मजेदारी है, क्या आनंद है, 250 यूनिट। फिर से आ जाइए, जब एक यूनिट का मान होता है 3.6 × 10^6 जूल, तो एक यूनिट के मान से हम टोटल ऊर्जा जो है उसमें भागा दे देंगे, तो जितना यूनिट हो गया, यूनिट में बदल गया, तो यूनिट में बदल गया, तो आ गया 250 यूनिट, कितना आ गया 250 यूनिट, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। आ जाओ मेरे लाडलों, मजेदारी कहता है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा।
बोलिया कि सर 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 के स्क्वायर। अब देखिए गतिज ऊर्जा की कहानी, गतिज ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप सोचिए द्रव्यमान को दुगना करिए तो गतिज ऊर्जा दुगना होगा, द्रव्यमान को चार गुना करिए तो गतिज ऊर्जा चार गुना होगा, लेकिन यदि गति को आप दुगना कर दिए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा चार गुना। गति को आप चार गुना, ध्यान दीजिएगा, गति को आप दुगना कर दिए, चूंकि वी स्क्वायर है तो दो का दुगना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा चार गुना। गति को आप चार गुना कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा 16 गुना, गति को आप 16 गुना कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा 16 के स्क्वायर 256 गुना। तो आप यहां पर उल्टा पूछा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 256 गुना हो जाए, गतिज ऊर्जा 256 गुना हो जाए, तो गतिज ऊर्जा 256 गुना कब होगा, जब गति 16 गुना होगा। गति उल्टा पूछा है, गति दुगुना तो गतिज ऊर्जा चार गुना, यदि गतिज ऊर्जा चार गुना तो गति दुगुना, गतिज ऊर्जा 16 गुना तो गति चार गुना, गतिज ऊर्जा 256 गुना तो गति हो जाएगा 16 गुना। तो यही बोल रहा है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना गति हो जाएगा, गति जो हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का कई गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा मेरे बहादुरों, ऑप्शन नंबर बी। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कमाल का क्वेश्चन। द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु गति भी के साथ, चलो बढ़िया बात है, द्रव्यमान एम है गति भी है, स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा के है, तो गतिज ऊर्जा के है तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हुआ ना जी। अब कहता है यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो बोले सर वेग दुगना होता तो गतिज ऊर्जा चार गुना होता, वेग दुगना होता तो गतिज ऊर्जा चार गुना होता। देखिए ना, के बराबर हो जाएगा, गति को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम वी का जगह टू वी स्क्वायर, यानी हाफ एम यहाँ फोर वी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, आई चार को हम अलग कर सकते हैं। तो इसके बदले तो के ही लिखा हुआ था, हम ऐसा क्यों बनाए, क्योंकि आंसर के रूप में ही दिया, तो इसके बदले तो के ही लिखा हुआ था, तो के गुने चार, के गुने चार यानी कि चार के। ऐसे भी हम समझ जाए ना कि हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है और वेग को गति को दुगना कर दिया जाए तो स्क्वायर है, तो दो के स्क्वायर चार गुना, यदि तिगुना कर दिया जाए तो नौ गुना, तो के जगह पर चार के हो जाएगा। यहां मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। आगे बढ़े, एकदम मजेदारी है, आगे बढ़ते चलो मेरे बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को लपेट देते हैं भैया। मास एम, मास मतलब द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के है। अब कहता है क्या इसका मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति भी से बढ़ा के टू भी कर दिया जाए। अब भी से बढ़ा के टू भी कर दिया जाए तो दुगने ना होगा जी, तो आप जानते हैं ना कि गतिज ऊर्जा के फार्मूला क्या होता है, एकदम दोनों सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा, वहां के लिखा था यहां ई के लिख दिया, तो क्या दिक्कत है। गति ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप सोचिए कि गति को भी से बढ़ा के टू भी कर दिया यानी दुगना, यानी भी दुगना होगा तो गति ऊर्जा कई गुना हो जाएगा चार गुना। गति ऊर्जा कई गुना हो जाएगा बहादुरों, चार गुना, दो के स्क्वायर ना होगा भी स्क्वायर है तो चार गुना, तो किसका चार गुना, तो पहले से ई के है तो ई के का चार गुना करेंगे तो चार ई के हो जाएगा। कमाल है जी कमाल, एकदम सेम वही क्वेश्चन है बस घुमा दिया, लेकिन अब तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मजा आया मेरे बहादुरों, बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा। आ जाओ तूफान मचाते हैं लाडलो। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, मतलब u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग मतलब u। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, समय दिया हुआ है कितना 2 सेकंड, ठीक है, और एम द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg। अब आप सोचिएगा कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा होता हाफ एम वी स्क्वायर, पूछा। अब ऊपर की ओर वस्तु फेंका जा रहा है, आपका यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है,
क्या भी दिया हुआ है, भी का तो चर्चा भी नहीं किया है। वैसे मेरे बहादुरों, हम सभी जानते हैं कि भी बराबर यू प्लस जी टी, भी बराबर यू प्लस जी टी, लेकिन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यू माइनस जी टी, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी बराबर यू माइनस जी टी, तो भी बराबर यू कितना हो गया, तो बोले सर यू तो हो गया 20 माइनस जी टी, तो जी जनरली कितना लीजिएगा, जी बराबर 10 जनरली लीजिएगा, तो 10 अगुना टी कितना 2 सेकंड, तो सोचिए 20 माइनस 20 अब बराबर 0। ऐसे भी आप जान लीजिए, चर्चा नहीं किया तो भी 0 ही होगा, और नीचे से ऊपर जब जा रहा है कोई वस्तु तो मैक्सिमम ऊंचाई तक जाके वहां पर गति शून्य हो जाता है, मतलब भी 0 हो जाता है। और ऐसे भी जब ऊपर जा रहा है तो भी बराबर यू माइनस जी टी, प्रारंभिक गति 20 है तो 20 माइनस जी का जनरली 10 लीजिएगा और टी 2 सेकंड है, तो भी आ गया 0। जब भी 0 आ गया मेरे बहादुरों, तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि भी 0 0 के स्क्वायर 0 0 गुना समथिंग 0, भी 0 आ गया तो गतिज ऊर्जा भी 0, भी 0 आ गया तो गतिज ऊर्जा भी 0। आनंद ही आ गया, आनंद ही आ गया मेरे शेर बहादुरों, आनंद ही आ गया, मजा आया, आगे बढ़ते हैं मेरे तूफानों, बिल्कुल आनंद आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 लपेट देते हैं, मजे का है। 11 kg तो द्रव्यमान हो गया का एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो बोलिए सर इसमें जो जब ऊंचाई के चर्चा कर दिया जाए तो निहित ऊर्जा क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा, और जब गति का चर्चा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा। तो यहां पर समझ जाइए कि आपसे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई पर पूछ रहा है तो समझिए आपसे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, एम मतलब द्रव्यमान 11, जी यहाँ देखिए जनरली हम लोग यूज भले करते हैं लेकिन इसका जनरली 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर दे दिया 9.8 तो इतना ही यूज करना है, और ऊंचाई कितना है 5, अब क्या है काटिए गुणा करिए, काटिए गुणा करिए, मजा आएगा देखिए। 8 बजे 40 kg बच गया 4, 9 बजे 45 4 49 एक अंक के बाद दशमलव, अब गुणा करिए 11 99 9 बचा 9, 11 44 9 तो 44 9 मेरे शेर बहादुरों कितना हो जाएगा 53, 44 9 53 यानी 539 जूल हो जाएगा यहाँ पर उसमें निहित ऊर्जा। जैसे ऊंचाई का चर्चा है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, जी 9.8 है, एम 11 है, एच 5 मीटर है, गुणा करना है, आ गया गुणा करके 539 जूल, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, आनंद आया होगा, अगला क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा, बोले सर ये तो मजा आ गया, लॉलीपॉप हो गया, यहां द्रव्यमान भी दे ले गति भी दे ले, तो गति से जब गति है तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सिर्फ निहित ऊर्जा भी पूछता तो गतिज ऊर्जा ही बनाते, ये तो लिख भी दिया है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम कितना है तो एम है 22 kg द्रव्यमान, अब भी स्क्वायर यानी 5 × 5, 2 से 11 × 22 25 × 11 चलेंगे तो 275, चूंकि ऊर्जा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, 275 जूल हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कहीं पर से कोई डाउट, बोले सर ये सब लॉलीपॉप क्यों ला रहे हैं, लॉलीपॉप से ही आगे बढ़ते हुए हार्ड हार्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और यही सब ज्यादा पूछता है बहादुरों, तो आप सभी का प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो मजा आएगा आनंद आएगा। आ जाओ मजेदारी लाते हैं। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो फिर तो वही बात है, यानी दोबारा सेम प्रश्न आ गया ताकि आप भूल ना पाए, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, एम मतलब 15, वी स्क्वायर मतलब 8 × 8, बस कैलकुलेशन करिए आंसर आएगा, 2 से 2 × 8 15 × 60 60 × 8 = 48 480, लेकिन जूल, अब 480 चारों ऑप्शन दे सकता है, ऊर्जा है इसलिए जूल, 480 जूल। आनंदमयी क्लास रहा, तो अंत भला तो सब भला मेरे शेर बहादुरों, अंत भला तो सब भला,
अंत भला तो सब भला, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कहता 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई, ऊंचाई के बात कर दिया मतलब स्थिति ऊर्जा पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें जब जी का मान 10। बोले सर कमाल करते हैं आप भी, कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। स्थिति ऊर्जा दिया हुआ है कितना, 600 जूल। स्थिति ऊर्जा होता है एम जी एच इज इक्वल टू 600 जूल। एम मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है 12 केजी, केजी तो द्रव्यमान का ही मात्रक है। जी कितना यूज करना है, तो जी यूज करना है 10 और एच बराबर 600। क्या मजेदारी है और सिंपल, देखिए काटिए 12×5=60 50 बार में 100 से 100 एच बराबर 5। क्या 5 मीटर, 5 क्या मेरे बहादुरों मीटर, चूंकि ऊंचाई है तो 5 मीटर। आनंद आया होगा, मजा आया होगा, तो जम के शेयर करेंगे। एक बच्चों को वंचित नहीं रहने दीजिएगा, सभी के पास पहुंचाएं ताकि मैं लगातार आप सभी को टॉप 10 देता रहूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अभी भी वंचित हैं वो इस आपका ऑफर का लाभ उठाएं। बहादुरों सभी कोर्स पर 75% छूट लगभग निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन किरण और खास करके जो आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं ना, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा यूथ का, मैथ रीजनिंग साइंस का मात्र 291 रुपया में तीनों बुक का सोल्यूशन दे रहा हूँ। अभी से अभी आप पढ़ते हैं तो ग्रुप डी में बहुत अच्छा खासा आप प्रदर्शन करेगा और सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे एप्लीकेशन का, आप इंस्टॉल करके रजिस्टर लॉगिन करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 97093448 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। प्ले स्टोर पर भी लिखिएगा आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस तो आ जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करिए, रजिस्टर लॉगिन करिए, बाई का ऑप्शन है परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपके एप्लीकेशन का लोगो है, नंबर डालिए और उसको आगे प्रक्रिया को बढ़ाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और लॉगिन करिए, फटाफट पढ़ाई शुरू करिए बड़ा ही आसान तरीके से। बाकी YouTube पर लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपकी सफलता हमारा संकल्प है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।